हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जरूर जाने। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के 5 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर या वीडियो को आप डिलीट करते हैं तो आपके रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, लेकिन आप अगर ऐसा नहीं चाहते कि वो मेरे रिसाइकल बिन में ना जाए बल्कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो इसके लिए आपको जिस फोल्डर या फाइल को डिलीट करना है उस पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो फाइल या फोल्डर आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आया। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है डॉट और LOG कैपिटल में, उसका इंटर दबा के आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। और उसके बाद आप जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपको टाइम और डेट के साथ ओपन होगा। देख सकते हैं 12:19 के, यानी जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो आपको करेक्ट टाइम बिल्कुल दिखाएगा जो आपके कंप्यूटर में सेव है। आपको लगता होगा कि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिस नाम का फोल्डर आप अपने कंप्यूटर में नहीं बना सकते। जैसे देखिए, मैं भी जैसे CON इसका नाम का फोल्डर नहीं बना सकते हैं। NULPRNAUX इन नामों का फोल्डर आप अपने कंप्यूटर में नहीं बना सकते हैं। इसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों या किसी को चैलेंज कर सकते हैं इस नाम को का फोल्डर बनाने के लिए। अगर आपका कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप अपने कंप्यूटर में एक पहले से ही अवेलेबल कीबोर्ड को ओपन करके आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको राइट बटन क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इरेज ऑफ एक्सेस सेंटर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो एक कीबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा। इस कीबोर्ड का यूज आप आसानी से कर सकते हैं, आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। किसी फोल्डर का रीनेम करना है या कुछ भी करना है। अगर आप विंडो 7 या XP के यूजर हैं तो उसके लिए आपको स्टार्ट पे जाना होगा, ऑल प्रोग्राम पे जाना होगा, एसेसरी पे जाना होगा और वहाँ पे ये कीबोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। किसी भी फाइल या फोल्डर को आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ से क्लोज करते हैं, तो अगर आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके किसी फाइल या फोल्डर को क्लोज कर सकते हैं यहाँ क्लोज करने के सिवाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।